वजाहत दे कि वो चार साल क्यों नहीं आए, किसको उसके साथ मंसूख करते हैं जी कि इन्होंने भिजवाया, ये नहीं कहते कि इन्होंने चार हफ्तों की इजाजत दी थी। कैसे नैब जो है वो पलकियां बिछा कर खड़ा था और नैब ने कहा कि कोई बादशाह सलामत को आप छोड़ दें, हमें कोई उसके ऊपर एतराज नहीं है। असल में नई पंजौता साहब जिस पार्टी की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर ये देखें तो वो हुकूमत बनी किस तरह थी, ये सेटलमेंट के साथ जो है इनको बकायदा तौर पर क्लीन चिट दी गई है, पर ताने दे और ये कहे कि डिक्टेटर ने ये कर दिया तो लिहाजा आप ये ठीक है। तो यानी आपको शायद कोई अच्छी खैर की तवक्को, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो आप मामला लेके गए, आपको अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा है तो फिर आप डंडे भी खाएं, आपको अगवा भी किया जाएगा। बहुत बहुत अहम बात, जहांगीर तरीन के जहाज में भर भर के लोग लाए गए थे और फिर वो चलती कैसे थी कि जब कोई इनको कहे कि आपने 2015 के अंदर मोटरसाइकिल बेच दिया तो आपने आकर बताया नहीं कि आपने बेच दिया, आपको नोटिस भेजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पीटीआई के उम्मीदवार और सीनियर वकील नईम हैदर पंजौता ने इमरान खान का हकीकी टाइगर होने का हक अदा कर दिया। नईम हैदर पंजौता ने लाइव शो में नून लीग को ऐसा बेनकाब किया कि मज़ा आ गया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। साहब पंजौता साहब, ये उन्होंने भेजा जो भेजने वाले थे, उन्होंने ही भेजा था मियां साहब को, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ख्वाजा आसिफ साहब का बयान। तो उन्होंने जिस गवर्नमेंट के तहत भेजा वो सहूलतकारी तो फिर खान साहब ने की थी ना। अब वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो बड़ा, मैं अपना एक माइंड इम्पोज करने वाला मैं वजीर आजम था, तो ये तो बातें फिर सच ना हुई। पहले भी शैला साहब आपको गिनवा चुकी हैं कि किस तरह से जहाज भर भर की गवर्नमेंट बनाई, लेजिस्लेशन आप लोग कैसे करवाते थे, और वो अगर भेजने वाले लोग आपकी गवर्नमेंट के थ्रू अपने काम करवा रहे थे तो आप फिर ये तो नहीं कह सकते आप बा इख्तियार वजीर आजम थे और बड़े आप सिविलियन सुप्रीमसिस्ट थे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब बीमार होते हैं, हालांकि उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई लेकिन वो अपना इलाज जो है वो पाकिस्तान में करवाते हैं, उनको ट्रस्ट है और वो ये समझते हैं कि वो कोई लंदन या किसी और मुल्क में जाकर नहीं, अपने हॉस्पिटल के ऊपर जैसे आम लोग दूसरे दुनिया के लोग करवा रहे हैं पाकिस्तान में, ऐसे ही वो समझते हैं कि मैं इलाज यहाँ से ही करवाऊंगा और वो पाकिस्तान में ही। दूसरे नंबर पर बात यह है कि इन्होंने ये कहा क्यों कि मैं लंदन जाके इलाज करवाऊंगा। अगर इन्होंने ये कहा और इन्होंने ये कहा कि मैं चार हफ्ते के लिए छुट्टी जाता हूँ, तो बजाय ये कि इनकी पार्टी जो है इसके ऊपर वजाहत दे कि वो चार साल क्यों नहीं आए, इसको उसके साथ मंसूख करते हैं जी कि इन्होंने भिजवाया, ये नहीं कहते कि इन्होंने चार हफ्तों की इजाजत दी थी उस वक्त की हुकूमत ने या अदालत से इजाजत लेकर गए थे, ये कहते हैं जी कि इन्होंने इजाजत दी, इनको चाहिए था। हाँ। ये बताते हैं कि वो चार साल क्यों बैठे रहे और फिर कैसे वो डील करके वहां से वापस आए, क्योंकि रास्ते में जो सलूट मारे गए, जो कारपेट बिछाए गए उसका कोई जिक्र नहीं करते, कैसे उनको क्लीन चिट दी गई उसका कोई जिक्र नहीं करते, कैसे नैब जो है वो पलकियां बिछा कर खड़ा था और नैब ने कहा कि कोई बादशाह सलामत को आप छोड़ दें, हमें कोई उसके ऊपर एतराज नहीं है। अब ये समझते हैं कि शायद जो है इनका केस वीक था या शायद जो है ये सुरखरू हो गए, ऐसी बात नहीं है, ये सेटलमेंट के साथ जो है इनको बकायदा तौर पर क्लीन चिट दी गई है। दूसरी तरफ तोशाखाना के एक मामूली सा केस है जो अभी तक खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और अभी तक वो फिक्स नहीं हो रहा। आज भी आपने देखा कि जो ताहयात नायली सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसके ऊपर जो है उस शख्स को अहल करने के लिए पूरा दिन समाप्त जारी रही और वो आज से कल पर चली गई, यानी कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर कोई दरखास्त आए तो वो आपने बिल्कुल नहीं सुनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये काम ही नहीं है कि लोगों के बुनियादी हकूक की हिफाजत के ऊपर कोई बात करे, बल्कि जो तशरी पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से आप खास से खाइफ आप नजर आ रहे हैं कि जी वो आप असल बातें नहीं सुन रहे, वो कहते हैं आप पॉलिटिकल वहां पर पेटिशंस लेके आ रहे हैं, आप मिसिंग पर्संस के मामले को, बलूचिस्तान के वाले मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। ये बात तो सही है ना, जब आपके टाइम पे कोई क्राइसिस होता था बलूचिस्तान में तो आपके प्राइम मिनिस्टर कहते थे मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा। देखिए बात यह है कि अदालत का क्या ये काम होता है कि वो अगर कोई उसके पास दरख्वास्त लेकर जाए, चाहे वो ए पार्टी है, बी पार्टी है, डी पार्टी है, और लोगों के बुनियादी हकूक के हवाले से करे, मिसिंग पर्सन के हवाले से कोई दरख्वास्त जाए और अदालत बजाय कि वो सियासी तौर पर नाम दे कि जनाब 2018 में या 2014 में या 2002 में जब इमरान खान की हुकूमत नहीं थी उस वक्त की वो बातें करे और ताने दे और ये कहे कि डिक्टेटर ने ये कर दिया तो लिहाजा आप ये ठीक है। तो यानी आपको शायद कोई अच्छी खैर की तवक्को, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो आप मामला लेके गए हैं आपको अच्छी एक्सपेक्टेशन है या नहीं है, मैं इस आपकी जवाब पे मैं वाइंड अप करूंगी। देखिए हम तो अच्छी उम्मीद से जाते हैं और अदालत का काम है कि लोगों को बुनियादी हकूक की हिफाजत करना और रिलीफ देना, लेकिन अगर अदालत आंखें बंद कर ले और ये कहे कि आप किचन से बाहर निकल जाएं अगर आपको हीट लग रही है तो वो तो वाजे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा है तो फिर आप डंडे भी खाएं, आपको अगवा भी किया जाएगा। बहुत बहुत अहम बात, आप अंदर करोगे तो आप एकेडमी को कैसे स्टेबल करोगे जी। पंजौता साहब इस इल्जाम का आप कैसे जवाब देंगे, आईएमएफ को आप क्यों इसके साथ इस बीच में इस बहस के ला रहे हैं? देखिए बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश है, बड़ी मेहरबानी है। ये बात जो आपने सवाल दो नंबर किया है वो बताना पहले इसलिए जरूरी है कि बहुत अहम है, क्योंकि हमारे ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि जैसे हम मुल्क के लिए जो है हम मुल्क दुश्मन है, तो इसके अंदर फिक्र करते जाएं तो जिस वक्त आईएमएफ आया था जमान पार्क के अंदर उनकी तरफ से जो लोग आए थे और उस वक्त भी आपको बताऊं कि खान साहब ने बिल्कुल मुकम्मल जो है उनकी हमायत का ऐलान किया था और उसके अंदर जो है साफ और शफाफ इलेक्शन की वहां पर बात जरूर हुई थी। और ये बात जो है आज जो गौर साहब ने की है उन्होंने भी ये बात की वजाहत की है कि ये बात चलाई जा रही है कि जैसे बैरिस्टर गौर साहब जो है वो आईएमएफ से जाकर मिले हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं
किसी तरह से उनको नहीं मिला। और दूसरी बात रहेगी कि IMF के हवाले से जो बयान है उन्होंने उसके ऊपर भी वजाहत दे दी है कि जो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो बिल्कुल हमारी मईशत को नुकसान होगा, IMF के प्रोग्राम को नुकसान होगा। वो इस तरह से होगा कि अगर आप धांधली के जरिए या आप ये चाहते हैं कि बल्ले का निशाना हो और लोग जो है वो आजाद खड़े हों, फिर उनको खरीदा जाए, फिर सेनेट में या बाकी असेंबली में, जैसे इससे पहले जो है वो सिंध हाउस में मंडियां लगी थी और इसी तरह से मंडियां लगाकर लोगों को खरीदा जाएगा और खरीदो फरोख से ये सारा सिस्टम आगे चलाया जाएगा, तो फिर मुल्क के अंदर मईशत जो है वो कैसे बहाल होगी, कैसे मईशत हमारी ठीक होगी। लेकिन बात सोचने की ये है कि बजाय ये कि लोग जो है मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसमें अदालतें भी आती हैं, जिसमें निगरान हुकूमत भी आती है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी आता है, तो उनकी तरफ से हमने ये नहीं देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से कोई सदबाव किया गया हो। सिर्फ एक ऑर्डर की हद तक वो ऑर्डर किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी सिर्फ लेटर लिख दिए, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि उसके बाद भी जमशेद दस्ती की वाइफ के साथ जो हुआ, उसकी फैमिली के साथ हुआ, जो उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो सूरत हाल रही उसके बाद भी पेपर छीने गए लोगों के साथ और पेपर जो सर्टिफाइड। अच्छा, वो इसके ऊपर भी बात पलट के करते हैं, बल्कि ये आई थिंक ये हम की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ये उनकी भी फाइंडिंग्स हैं कि आपकी जो रिजेक्शन रेट है आपके नॉमिनेशन पेपर्स का वो आई थिंक 23% है, 77% आपके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हुए, 1900 आपके कैंडिडेट्स के एक्सेप्ट हुए हैं नॉमिनेशन पेपर्स। और आपने सुना है मौजूद अदालत चीफ जस्टिस कह रहे थे कि अगर आपको वो जो आपके रिजेक्ट भी हुए हैं, अगर आपको उस रिजेक्शन का लेटर नहीं मिल रहा है ECP की तरफ से, तब भी आप जाके ट्राइब्यूनल में अपनी अर्जी दे सकते हैं। तो आपकी तरफ से ये भी एक इंप्रेशन लिया जा रहा है कि आप बिला वजह शायद थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं अपनी अपने साथ होने वाली चीजों को, ताकि ये कि आपको सिंपथी या सॉफ्ट कॉर्नर मिले आवाम का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं तादाद बताऊं तो 800 जो है वो 53 जो है वो टोटल हमारे जो हमें ये फिगर मिला है इस वक्त तक हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। और अगर मैं दो चार मिसालें दूं तो किसी के साथ ये है कि आपने पिस्टल का लाइसेंस नहीं लगाया, मेरे ऊपर यह है कि आपने 2015 के अंदर मोटरसाइकिल बेच दिया तो आपने आकर बताया नहीं कि आपने बेच दिया, आपको नोटिस भेजा गया। मैं अल्फन कहता हूं कि मुझे कोई ना नोटिस भेजा गया है ना। अच्छा, आप पे भी इस किस्म का आप कहते हैं एतराज उठाया गया है जो कि आप कहते हैं बिल्कुल मायने खेज नहीं है और एक बोगस किस्म का एलिगेशन है आपके। बिल्कुल जी, बिल्कुल बुलाया ही नहीं गया, मुझे नोटिस ही नहीं भेजा गया और ये कहा गया कि आपको नोटिस भेजा गया, आपने आकर तफसील नहीं दी, लिहाजा आपके पेपर रिजेक्ट किए जाते हैं। सिर्फ मसला क्या है, मसला यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो पहले उम्मीदवारान थे उनको आग के समंदर से गुजारा गया बाकायदा तौर पर, कि उनकी गिरफ्तारियां, उनके तहीद कुनंदे, तजवीज कुनंदे, उनके अटॉर्नी, और फिर जिस तरह से वो पेपर जमा करवा सके, फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपियां लेने के लिए आप हाईकोर्ट से रजू करें, वहां से डायरेक्शन लेकर आए, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, उनके जो सर्टिफाइड कॉपियां हैं फैसले की हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद मिली है। तो जैसे आम फहम ज़बान में कहते हैं ना, ख्वारी लगवाई जा रही है कि आप लोग एक पेचीदा। ख्वारी को कोई मसला नहीं है, ख्वारी को कोई मसला नहीं है, ख्वारी हम करने के लिए तैयार, लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि इस वक्त 8 फरवरी की तारीख दी हुई है, ये चाहते हैं कि ये हल्कों में जाकर कंपेन ना करें, इनके उम्मीदवार जो है वो क्लियर ना हो, बल्ले के निशान के ऊपर भी जो हमला है वो सिर्फ इसलिए है कि इनके अंदर जो है वो क्लैरिटी ना हो कि टिकट जो है वो पार्टी के निशान के ऊपर जो देने हैं या आजाद इनके उम्मीदवार होने हैं, इसी वजह से ये सारे हल्के किए जा रहे हैं। वरना इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत थी, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने कि बल्ले का निशान जो है वो अलॉट किया जाए और सर्टिफिकेट अपलोड किया जाए, लेकिन मैं आगे ले जाती हूं वाली बात, आपने बहुत सारे अहम पॉइंट्स उठाए और उस फैसले को चैलेंज करने के लिए वहां पहुंच गए। शैला साहिबा, सिंध की सिंध हाउस में लगी मंडियों का एक दफा फिर जिक्र हो गया नईम पंजोता साहब ने किया, और वो कहते हैं कि जो पिछली हुकूमत आई थी वो शायद आती ही नहीं अगर ये शुरुआत सिंध हाउस से ना हुई होती। आपको पता है उस वक्त भी बेपनाह तनकीद की गई थी इस मामले पे। असल में नईम पंजोता साहब जिस पार्टी की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर ये देखें तो वो हुकूमत बनी किस तरह थी, तमाम तरह सहूलियात के साथ, जबकि कह भी दिया गया है कि थर्ड ऑप्शन के तौर पर इन्हें लाए थे, जहांगीर तरीन के जहाज में भर भर के लोग लाए गए थे, और फिर वो चलती कैसे थी कि जब कोई इनको काम करना होता था, लेजिस्लेशन वगैरह करनी होती थी तो फोन कराया जाता था, तो वो चलती थी, उसके बावजूद भी आप लोगों को खुश ना रख सके, तो हमने तो किसी को नहीं लिया। आपके जो एक तरीक़ाकार था जिसकी वजह से आज भी आप लोग जो है मातूब हैं कि सामने वाले को कुचल दो, उसको जिंदा ना रहने दो, आपसे लोग तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे थे, इसलिए उन्हें सिंध हाउस में रखा गया था। हमारा तो वज़ीर आज़म नहीं बनना था ना, जमहूरी तौर पर नून लीग के नंबर ज़्यादा थे, उनका बनना था, और फिर आपने वो साबित किया कि जब हमने सिंध हाउस में रखा तो आपने अटैक किया, और अगर उस वक्त आपको सजा मिल जाती और वो जो आप PTV वगैरह सब पे करते तो ये 9 मई का वाकया ना होता, लेकिन उस वक्त आप लाड लेते, तो आपसे हमने कोई मंडी नहीं लगाई, आपसे तहफ़्फ़ुज़ दिया था, वरना आप तो उनका वही हशर करते जो आपने 9 मई को अपने जिसको मुखालिफ समझा, बिल्डिंग का, मुजस्मे का, जहाज का, सबका किया। नागरीन, नईम हैदर पंजोता ने बिल्कुल ठीक कहा कि इनसे जब भी पूछा जाए कि नवाज शरीफ 4 साल तक कहाँ रहा, तो ये आगे से कहते हैं कि आपकी हुकूमत ने ही नवाज शरीफ को इलाज के लिए भेजा था। नईम हैदर पंचोता ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने इलाज के लिए तो 4 हफ्तों के लिए इनको भेजा था, ये 4 साल तक
मुल्क से फरार क्यों रहा, और जब इनका भगोड़ा लीडर वापस आया तो लंदन से जीरो रिस्क पर वापस आया और इस शर्त पर आया कि मुझे इक्तदार की कुर्सी पर बिठाया जाए। नईम हैदर पंचौता ने कहा कि ये जूं ही वापस आते हैं और नैब हमारा जो पहले ही पलकें बिछा कर खड़ा था, नैब ने कहा कि हमें नवाज शरीफ के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए हम अपना केस वापस लेते हैं। और आपने देखा कि हमारी अदालतों ने कैसे नवाज शरीफ को क्लीन चिट दी और कैसे अदालतों में इंसाफ का मजाक उड़ाया गया, जबकि दूसरी तरफ हमारे लीडर इमरान खान का झूठा और बोगस केस जो तवशाहाना का है वो अभी तक अदालतों में लग ही नहीं सका। ये तो हमारी अदालतें हैं जो एक तरफ झुकी हुई हैं, मगर अवाम ये सारा खेल देख रही है। यही वजह है कि आज अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान को ही अपना नेक्स्ट वज़ीर आज़म देखना चाहती है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।